जैसे अगर मैं दीपिका की बात करूं तो यू नो ऑनेस्टली काफ़ी लोग दीपिका को सपोर्ट कर रहे थे, आपके भी फैन क्लब्स जो थे वो दीपिका को भी सपोर्ट करते थे, लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया जो आज तक अभी तक भी ऑडियंस इस बात को समझ नहीं पा रही कि ऐसा क्या हुआ कि दीपिका सडनली यू नो स्टार्टेड नॉट लाइकिंग यू. आई वॉन्ट से हेटिंग, स्टार्टेड हेटिंग यू बट नॉट लाइकिंग यू, एक सर्टन उन्होंने डिस्टेंस बना लिया. बिकॉज ये बहुत दिनों तक ये डिबेट चला कि ऐसा क्या हुआ, जैसे सलमान ने भी एक वीकेंड का वार पर कहा था कि क्या हुआ, तो किसी को नहीं समझा. तो मेरा भी है ना जो डिस्कनेक्ट हुआ उसी वीकेंड के वार से हुआ, बिकॉज उसके पहले एवरीथिंग वॉज फाइन. यू नो मैंने उसको पूछा भी था कि इज ऑल ओके, यू नो एवरी, मेरा हमेशा होता है कि जब सही चल रहा हो तो थोड़ा अगर कुछ अनबन हो तो क्लियर करके आगे बढ़ो. लेकिन उस वीकेंड के वार पे शी सेड सम टू थ्री थिंग्स जो उसके माइंड में थी. तो मैंने कहा, जब मैंने पूछा आपको तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया, यू शुड हैव टोल्ड मी नो व्हेन आई आस्क्ड यू कि इफ देयर इज एनीथिंग रॉन्ग. क्योंकि हमेशा मन में जो बात होती है आपको हमेशा बोलनी होती है लाइफ में, ओके, ताकि क्लैरिटी रहे, और स्पेशली ऐसे रिलेशनशिप की, ऐसे फ्रेंडशिप की जो इतनी अच्छी चल रही हो. एंड शी सेड दोस थिंग्स जो उनके माइंड में थी. तो मैंने बोला था कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं फिर ये बात. तो बोले आई डिडंट नीड टू. मैं कहा फिर दिस एटीट्यूड इज व्हाट आई डोंट यू नो लाइक आई डिडंट नीड टू. देन इफ यू डोंट नीड टू देन ऑफ कोर्स देन इवन आई डोंट नीड टू. यू नो मैं ऐसा भी नहीं हो कि यू डोंट नीड टू, ओके कोई बात नहीं फ्रेंड करते. और मैंने लास्ट में उसको ये लाइन भी बोली थी, वो जब वो जा रही थी कि तेरे मेरे बीच में कोई ऐसी नहीं बात नहीं, एंड आई वाज ऑलवेज देयर एज अ फ्रेंड. ओके मैं कभी भी ऐसा नहीं था कि तेरे बारे में बुरा बोलता था या तेरे बारे में बिचिंग करता था या तेरे बारे में कुछ भी ऐसी गलत चीज़. इन फैक्ट ऑन द कॉन्ट्री आई वुड फाइट फॉर यू, आई वुड स्टैंड फॉर यू एंड यू या एंड यू सेड मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी तो सॉरी देन मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है. जब भी अगर आप दीपिका के बारे में बात भी कर रहे हैं, जैसे एक यू नो दीपिका ने एक चीज़ बनाई थ्रू आउट बिग बॉस कि उन्होंने किसी के बारे में अगर कहा भी है तो वो भी एक दायरे में रह के कहा है, तो सेम चीज़ आपका था. इनफैक्ट जैसे आप बोल रहे हो कि आपने अग्रेशन भी दिखाया है, ऑनेस्टली सेइंग आपका अग्रेशन भी वैसा दिख के नहीं आया, क्योंकि इट वॉज ऑलवेज इन लिमिट्स एंड वो दायरे में रह के कभी भी आपने कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं किया. लेकिन फिर भी एक नेगेटिव जोन आ जाना आपके और दीपिका के बीच में, तो डिड इट हर्ट यू थोड़ा सा भी, बिकॉज यू एक्सपेक्टेड दैट, एवरीवन सॉ दैट यू एक्सपेक्टेड बट यू डिडंट गॉट. एब्सोल्युटली यार क्यों नहीं होगा यार, बिकॉज वी आर सो क्लोज. अगर कोई बात है, अगर उसको कुछ बुरा लगता था मैं उसके साथ बैठता, वो अपनी बातें शेयर करती, मुझे कुछ होता मैं उससे करता था. एक हमेशा एक अच्छा प्यारा सा सपोर्ट था वो, यू नो. और जब वो सडनली वो सपोर्ट मुझे बोल दे कि देखिए किसी के माइंड में कुछ हो जाए सी बात है यार, यू नो यू हैव घर ही ऐसा है. बट ये वीकेंड के वार के 5-6 दिन पहले इफ आई आस्क्ड यू इफ देयर इज एनीथिंग रॉन्ग प्लीज टेल मी, लाइक यू नो सो दैट वी कैन क्लियर एंड मूव अहेड, यू नो, बिकॉज अपने को और मतलब 6-7 हफ्ते गुजारने. सो देन ईच टू देयर ओन, अगर उनको नहीं करना तो आई एम सॉरी देन आई एम नॉट पार्ट ऑफ योर लाइफ, बिकॉज इफ यू डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ द लाइफ. सो मुझे